हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक्सेल का इंसर्ट मेन्यू लेके आया हूं, जिसके अंदर हम पाइवट टेबल बनाना सीखेंगे। इसके अलावा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपके पास एडिंस हो गए या ग्राफ हो गए, स्पार्क लाइन हो गई, स्लाइसर वगैरह हो गए, तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इन चीजों के बारे में अच्छी तरह जान सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है पाइवट टेबल। हालांकि पाइवट टेबल की मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, जिसके अंदर पूरी डिटेल में पाइवट टेबल को समझाया है, तो वो हमारे यूट्यूब के लिंक में आप देख सकते हैं। उसके लिंक को मैंने वीडियो के नीचे बायो में दे दिया है, तो आप वहां से उसे ओपन करके देख सकते हैं। पाइवट टेबल का यूज हम लोग अपने डेटा को समराइज करके रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए लाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जैसा कि ये डाटा दिया हुआ है, तो हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पाइवट टेबल पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तीन ऑप्शन आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिलेक्ट टेबल रेंज आता है, जैसा कि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और अगर आप किसी और पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड जो यहाँ पर दिया गया है वो है यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्सेल की कोई दूसरी फाइल के अंदर डेटा है तो आप उस फाइल के डेटा को भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप जो पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं उसे कहाँ पर बनाना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप एक न्यू वर्कशीट पर बनाना चाहें तो आप न्यू वर्कशीट पर बना सकते हैं, और जहाँ पर आपके पास इस शीट के अंदर जहाँ पर ये डाटा है अगर आप वहाँ पर बनाना चाहें तो आप एग्जिटिंग वर्कशीट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर न्यू वर्कशीट पर क्लिक किया है और देन ओके कर दिया। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक पाइवट टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर उसकी फील्ड्स आ रही हैं। तो आप जो भी चीजें चाहिए या आपको जिस भी तरीके की रिपोर्ट बनानी हो तो आप वो यहाँ से फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके पास यहाँ पर उससे रिलेटेड एक पाइवट टेबल तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी डेटा हमने सेलेक्ट किया था उसके सारी की सारी फील्ड्स आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर सेल्समैन के नेम देखना चाहें तो आप यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास सेल्समैन के नेम आ गए हैं। इसी तरीके से मुझे मंडे की सेल देखनी है तो मैं यहाँ पर जस्ट सेल इन मंडे पर क्लिक कर दूंगा। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ सेल इन मंडे शो होने लग गया और इसका टोटल जो भी है वो 287 हमारे पास ग्रैंड टोटल शो हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अलग अलग फील्ड्स को लेके पूरी की पूरी एक डिटेल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप टोटल सेल लेना चाहें तो आप टोटल सेल भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सम ऑफ टोटल सेल्स भी हमें शो होने लगा है। उसके बाद अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहें या रिपोर्ट देना चाहें तो आप यहां पर वो भी दे सकते हैं। इसे रिमूव करने के लिए आपने यहां से क्लोज पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करने के बाद आप यहां पर क्लियर पर चले जाएंगे और यहां पर आपके पास क्लियर फुल का ऑप्शन आ जाता है। तो आप देख पाएंगे कि जो भी हमारे पास यहां पर पाइवट टेबल बनी हुई थी अब वो यहां से डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दोस्तों यहां पर आता है वो है रेकमेंडेड पाइवट टेबल। तो आपके पास जो भी यहां पर डेटा बना हुआ है तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपको कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स प्रोवाइड करता है जिन्हें आप डायरेक्ट यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप रेकमेंडेड टेबल पर चले जाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास यहां पर ब्लैंक सेल भी है तो यहां पर आपको शो हो रहा होगा वी कैन नॉट रेकमेंडेड एनी पाइवट टेबल फॉर द सिलेक्टेड डाटा। क्योंकि हमारे डेटा के अंदर यहां पर ब्लैंक सेल भी है तो इसलिए सिस्टम पाइवट टेबल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, तो हमें इस डेटा को चेंज करना होगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि नीचे यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है चेंज सोर्स डाटा, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम इस तरीके से डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर अलग अलग तरीके के कुछ रेकमेंडेड टेबल्स बनी बनाई आ रही हैं, तो आप उनमें से जो भी चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर ले सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक प्री डिफाइंड पाइवट टेबल तैयार होकर आ गई है। इसे रिमूव करने के लिए आप यहाँ से इसे क्लोज कर लीजिए और देन उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पर क्लियर पर जाना है और क्लियर ऑल पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आ रहा है वो है टेबल। तो अगर आप यहाँ पर इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है माय टेबल हैज हेडर। तो अगर आप इस चेकबॉक्स को यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर सिस्टम आपको ऑटोमेटिक हेडर बना के दे देता है। जैसा कि हम देख लेते हैं यहाँ पर, आप जैसे इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 करके हमारे पास यहाँ पर हेडर क्रिएट होके आ गए हैं। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हेडर है तो हम
यहाँ पर टेबल पे जाएंगे और यहाँ पर इस टिक को आपने रिमूव नहीं करना है, इस टिक को आप एज इट इज रहने दीजिए। ओके करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक टेबल आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू बने हुए हैं जिसे हम फिल्टर के नाम से भी जानते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास फिल्ट्रेशन के ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप अपने इस कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ये A से स्टार्ट हुआ और S पे खत्म हुआ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास डेटा को इसने फिल्टर करके शो कर दिया। इसी में अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का डेटा देखना चाहते हैं तो आप जस्ट वहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमने दो नेम ले लिए यहाँ पे, एक अनीश और एक नीलेश, देन ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ दो ही लोगों का डाटा यहाँ पर शो कर रहा है। इसे रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कर देंगे और अगर आपके डेटा में जैसे कि टेक्स्ट दिया हुआ है और अगर आप टेक्स्ट फिल्टर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिन विद, एंड विद और कंटेन। तो हम यहाँ पर बिगिन विद पे चले जाते हैं और हम अल्फाबेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, मीन्स की पूरे टेक्स्ट में जो भी ए से स्टार्ट होता है टेक्स्ट वो आप यहाँ पर शो कराना चाहते हैं। तो आप जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक ही रिकॉर्ड यहाँ पर ए से स्टार्ट होता है जो कि अनीश के नाम से है। अगर आप इस फिल्टर को क्लियर कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरे डेटा के अंदर स्टार्टिंग जो वर्ड है वो सिर्फ अनीश। तो इस तरीके से हम टेबल का यूज बड़ी आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप इस फिल्टर को हटाना चाहते हैं और अगर आप इस टेबल फॉर्मेट को नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल डिजाइन का एक नया मेन्यू है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जैसे स्लाइसर बनाना, डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, अगर हम कोई डेटा इसके अंदर और इंसर्ट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो रिफ्रेश का ऑप्शन है आपके पास, इसी तरीके से डुप्लीकेट अगर आप डिलीट करना चाहें तो वो भी ऑप्शन आपके पास दिया गया है। और अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहें तो आप यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज पे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आएगा आपके पास, डू यू वॉन्ट टू कन्वर्ट द टेबल टू ए नॉर्मल रेंज, तो हम यहाँ पर इसे यस कर लेते हैं। तो आप जैसे यस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो भी फिल्ट्रेशन वगैरह हमारे पास यहाँ पे लगी थी वो सारी की सारी अब रिमूव हो चुकी है और ये हमारे पास एक नॉर्मल डाटा यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है वो इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन के अंदर आपके पास पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट और स्क्रीनशॉट के ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आप अपने डेटा के अंदर कोई पिक्चर लेना चाहें तो यहाँ पर जा सकते हैं और पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम रिवाइज ऑप्शन पर चले जाते हैं और आपके पीसी में जहाँ पर भी पिक्चर्स हैं तो वहाँ से आप कोई भी पिक्चर लेना चाहें तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इस तरीके से कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं और इंसर्ट, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है। इसे आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि हम इसे आसानी से यहाँ पर देख सकें। तो आप इस तरीके से किसी भी पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाता है वो है आपके पास शेप्स। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड शेप्स हैं, उनमें से अगर आप किसी शेप को लेना चाहो तो आप वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एक स्माइली ड्रॉ कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक स्माइली क्रिएट कर दी है। इसी तरीके से आपके पास आइकन का ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आपके पास आपके सिस्टम में कहीं पर आइकन स्टोर है तो आप वर्क ऑफलाइन ले सकते हैं, अदरवाइज आप नेट भी कनेक्ट करके यहाँ पर आइकन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जस्ट आइकन पर क्लिक करेंगे और आपका पीसी अगर नेट से कनेक्ट है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन अलग अलग तरीके के आइकन इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इमेज आइकन कटआउट्स वगैरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर आइकन लेना है और हम यहाँ से एक एप्पल का आइकन ले लेते हैं, आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप इंसर्ट पर जाकर क्लिक कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक आइकन इंसर्ट हो गया है। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है वो है 3D मॉडल्स का। अगर आपके पीसी में कहीं पर 3D मॉडल्स इंस्टॉल्ड हैं तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऑनलाइन भी यहाँ पर सर्च करके ले सकते हैं। तो आपने जस्ट यहाँ पर जो भी आपको 3D मॉडल्स चाहिए उसे सिलेक्ट कर लेना है और उस कैटेगरी के अंदर आपके पास अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे, आपने यहाँ पर इसे ले लिया और देन इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक 3D मॉडल इंसर्ट हो गया है। आप इसे कहीं पर भी इस तरीके से रख सकते हैं और 3D वे में जैसे आप इसे चाहें वैसा यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम 3D मॉडल्स को भी अपने डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाता है वो है स्मार्ट आर्ट का।
हालांकि हमने इसे एमएस वर्ड में भी कवर किया था, तो अगर आप चाहें तो वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर आप इसे यहाँ पर यूज करके देख लेते हैं। तो आपने स्मार्ट आर्ट पर क्लिक कर देना है और आपके पास यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन आ जाते हैं, जिसके अंदर लिस्ट का ऑप्शन है, प्रोसेस का ऑप्शन है। अगर आप किसी वर्क के प्रोसेस को दिखाना चाहें तो आप उस प्रोसेस को दिखा सकते हैं। साइकिल का ऑप्शन है, अगर आप किसी प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग को दिखाना चाहें तो आप उसे भी दिखा सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास रिलेशनशिप के लिए ऑप्शंस दिया गया है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है और पिक्चर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो भी आप ऑप्शन यहाँ पर लेना चाहें वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को दिखाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर इसे ले लिया और देन यहाँ पर चूज करने के बाद इसे ओके कर देना है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके पास एक स्मार्ट आर्ट ओपन हो गया है और यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसके अंदर हम टेक्स्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर टेस्टिंग ले लेते हैं, फर्स्ट फेज, देन सेकंड के अंदर हम यहाँ पर एवोल्यूशन ले लेते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पर एनालिसिस ले लेते हैं, इसी तरीके से डिजाइनिंग और नेक्स्ट हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ले लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने डेटा को एक स्मार्ट आर्ट की मदद से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इनके लेआउट को चेंज करने के लिए भी ऑप्शन आ जाते हैं, तो अगर आप यहाँ पर लेआउट चेंज करना चाहें तो वो लेआउट भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका लेआउट चेंज हो गया है। इसी तरीके से अलग अलग ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर ये वाला लेआउट ले लेते हैं और यहाँ पर आपके पास स्मार्ट आर्ट स्टाइल और भी मिल जाते हैं आपको, और यहाँ पर आप स्मार्ट आर्ट के स्टाइल को भी बदल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 3D ऑप्शंस देख रहे हैं, तो आप इसे 3D वे में लेना चाहें तो आप इस तरीके से इसे 3D वे में भी शो करा सकते हैं। कलर की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के कलर्स आपके पास दिए गए हैं, जो भी कलर आप लेना चाहें तो उस कलर के अकॉर्डिंग भी आप अपने स्मार्ट आर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है वो है रीसेट ग्राफिक का। हमने यहाँ पर अपने स्मार्ट आर्ट में जो भी 3D इफेक्ट लगाया है या जो भी कलरिंग लगाई है, अगर आप उसे नॉर्मल करना चाहें तो आप रीसेट पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्मार्ट आर्ट को नॉर्मल में ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो है कन्वर्ट टू शेप, और कन्वर्ट टू शेप की मदद से हम स्मार्ट आर्ट को एक नॉर्मल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम इसके लेआउट को चेंज कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये स्मार्ट आर्ट का डिजाइन मेन्यू आपके पास ऑन हो रखा है, क्योंकि अभी भी ये एक स्मार्ट आर्ट है। बट जैसे ही आप इसे कन्वर्ट टू शेप में क्लिक कर देते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास अब वो मेन्यू यहाँ पर नहीं आ रहा है, उसकी बजाय हमारे पास यहाँ पर शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। मीन्स कि जो हमने स्मार्ट आर्ट लिया था वो अब एक नॉर्मल शेप डिजाइन बन गया है। इंसर्ट मेन्यू के अंदर अगला जो ऑप्शन आता है वो है आपके पास गेट एडिंस और माई एडिंस। माई एडिंस के अंदर अगर आपने ऑलरेडी कुछ एडिंस ले रखे हैं तो वो लिस्ट आपको आ जाएगी। गेट एडिंस अगर आप कुछ नया एड इन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज में ले सकते हैं। तो हम गेट चले जाते हैं और यहाँ पर हम एक एड इन सर्च कर लेते हैं, QR फॉर ऑफिस, और इसे यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों इस एड इन से हम अपने लिए कोई भी एक QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो यहाँ पर हम अपने YouTube चैनल के लिए QR कोड जनरेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर अपने YouTube चैनल पर चले जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी ये वीडियोज़ हैं, और यहाँ पर से हम अपने YouTube चैनल के लिंक को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप उसे पेस्ट कर देंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक QR कोड जनरेट हो गया है, और इसे हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो YouTube चैनल है उसका एक QR कोड इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं जिनके लिए आप QR कोड बना सकते हैं। हमें इस पॉइंट पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेल टू, टेलीफोन, SMS और अलग अलग तरीकों के लिए आप यहाँ पर QR कोड ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम एक नंबर के लिए QR कोड बनाना चाहते हैं तो हमें जस्ट टेल पर क्लिक कर देना है और हम यहाँ पर कुछ भी रेंडमली नंबर डाल देते हैं, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर उस नंबर का एक QR कोड जनरेट हो गया है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इंसर्ट मेन्यू के अंदर वो है आपके पास चार्ट, और यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके के चार्ट दिए गए हैं, जिसके अंदर पाई है, लाइन है, कॉलम चार्ट है और भी अलग अलग तरीके के यहाँ पर हमारे पास चार्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप अपने डाटा को चार्ट फॉर्मेट में भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर से किसी भी तरीके का जो भी चार्ट लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3D कॉलम वाला चार्ट ले लेते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो भी हमारा डेटा था वो अब एक 3D चार्ट स्टाइल में यहाँ पर आ गया है।
इसमें अगर आपको चेंजेस करना चाहें तो आपके पास यहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि चार्ट डिजाइन के अंदर आते हैं। अगर आप यहाँ पर एक्सेस चेंज करना चाहें तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से वर्टिकल वे में और हॉरिजॉन्टल वे में चार्ट के एक्सेस को बदल सकते हैं। इसी तरीके से एक्सेस टाइटल की बात करें तो वो भी आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे में और वर्टिकल वे में ले सकते हैं। चार्ट टाइटल की बात करते हैं तो अगर आप चार्ट टाइटल को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं और लाना चाहें तो उसे ला सकते हैं। इसी तरीके से और भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि बात करें अगर हम ग्रिड लाइंस की तो आप यहाँ पर ग्रिड लाइंस को भी ओपन कर सकते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके चार्ट के अंदर ग्रिड लाइंस ऑन और ऑफ हो रही है। इसी तरीके से अगर आप डेटा लेबल को भी यहाँ पर सेट करना चाहें तो आप डेटा लेबल को भी यहाँ पर ले सकते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास नेम के डेटा लेबल्स यहाँ पर शो होने लगे हैं। क्विक लेआउट के अंदर आप इस तरीके से अपने चार्ट के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट्स के आपके पास लेआउट्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपने चार्ट के लेआउट को यहाँ पर अलग अलग स्टाइल में ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कलर की बात करें तो आप अपने चार्ट के कलर्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास प्री फॉर्मेटेड चार्ट स्टाइल्स हैं तो जिसके अंदर हम इस तरीके से अलग अलग चार्ट स्टाइल यहाँ पर ले सकते हैं। बात करते हैं डेटा को रॉ एंड कॉलम वाइज स्विच करने की तो यहाँ पर अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है स्विच रॉ एंड कॉलम। तो आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है तो आप देख पाएंगे कि अब हमारे पास यहाँ पर मंडे ट्यूजडे आ गया है। इसी तरीके से हम चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नेम आ जाते हैं। सेलेक्ट डाटा तो जो भी आपके पास यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में डेटा है वो आपके पास यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहें या रिमूव करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप के अंदर जैसा कि हमने अभी जो चार्ट लिया है वो 3D में कॉलम वाइज लिया है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे और यहाँ पर हम इसे पाई फॉर्मेट में लेना चाहें तो पाई फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि आपका जो भी चार्ट था वो पाई चार्ट के अंदर चेंज हो चुका है। मूव चार्ट, अगर आप अपने चार्ट को मूव करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप अपने चार्ट को सेकेंड शीट पर मूव कराना चाहते हैं तो आप उसे मूव करा सकते हैं और अगर न्यू शीट पे सिर्फ आप अपने चार्ट को ले जाना चाहें तो वो भी आप ले जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेकेंड शीट पर ले लेते हैं तो आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो चार्ट है वो सेकेंड शीट पे शिफ्ट हो गया है। देखिए अब शीट 1 पे हमारे पास चार्ट नहीं है और शीट 2 पे वो आपके पास यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से वापस उसे नॉर्मल उस पर ले जाते हैं तो हम यहाँ पर शीट 1 कर लेते हैं देन ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास चार्ट बना हुआ था वो अब हमारा शीट 1 पे आ चुका है और शीट 2 पे से वो यहाँ से हट गया है। इंसर्ट में नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो है मैप और मैप का यूज अपने डेटा को ज्योग्राफिकल डेटा के साथ कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। बट इसे यूज करने के लिए आपको अपने सिस्टम पे नेट की जरूरत पड़ेगी। इंसर्ट मेन्यू के अंदर नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपके पास वो है पाइवट चार्ट का। जैसा कि हमने पहले पाइवट टेबल की मदद से यहाँ पर अपने डेटा को समराइज करके रिपोर्ट्स तैयार करना सीखा था उसी तरीके से आप अपने डेटा को पाइवट चार्ट वे में भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आपने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पाइवट चार्ट पर क्लिक कर देना है जिसके अंदर हमारे पास सिलेक्ट टेबल रेंज का ऑप्शन आ रहा है जो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है। और अगर आप पाइवट चार्ट को न्यू शीट पे क्रिएट करना चाहें तो वो ऑप्शन है और एग्जिस्टिंग पे ही करना चाहें तो वो भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पाइवट टेबल का स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पर हमारे पास फील्ड्स आ रही हैं। तो जो जो फील्ड आपको यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे ग्राफ वे में या चार्ट वे में ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नेम ऑफ सेल्समैन का ले लिया तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारे पास अलग अलग तरीके के नाम यहाँ पर शो होने लगे हैं। अब यहाँ पर हम सेल्स इन मंडे ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मंडे से रिलेटेड एक ग्राफ तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम ट्यूजडे को भी ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ट्यूजडे के बार भी यहाँ पर आ गए हैं। इस तरीके से आप अपने डाटा को चार्ट वे में शो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नेम पर क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर एक या दो लोगों का ही रिकॉर्ड देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शन आता है वो है आपके पास स्पार्क लाइन। दोस्तों ये भी एक तरीके का ग्राफ है जो कि एक सेल के अंदर बनता है। तो यहाँ पर हमने एक सेल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हम लाइन ग्राफ को ले लेते हैं। डेटा रेंज जिस डेटा का हमने ग्राफ बनाना है तो उस डेटा को आप सिलेक्ट कर लेंगे और लोकेशन क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है तो लोकेशन आपको यहाँ पर शो हो रही।
आपने इसे ओके कर देना है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक स्पार्कलाइन ग्राफ ड्रॉ हो गया है। अगर आप इनके पॉइंट्स को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाई पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए जो सबसे बड़ा नंबर है वो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। इसी तरीके से आप लो पॉइंट को देखना चाहें तो लो को भी देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट को देखना चाहें तो फर्स्ट को भी देख सकते हैं, और अगर सारे पॉइंट्स को देखना चाहें तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडिट डेटा के थ्रू आप अपने रेंज को चेंज कर सकते हैं। मीन जैसे कि यहाँ पे 45 लिखा है तो हम इसे -5 कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके स्पार्कलाइन ग्राफ में चेंजेस हो गए हैं। इसी तरीके से आप इसे कॉलम स्पार्कलाइन के अंदर लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, और विन लॉस के अंदर लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर विन लॉस से मतलब है कि अगर आपके डेटा में कुछ नंबर्स प्लस में है और कुछ माइनस में है तो ही ये आपको शो करेगा। अगर आप डेटा माइनस में नहीं है और सारे ही नंबर प्लस में है तो सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पर सेम शो होगा और हमारे ग्राफ में कोई भी चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप जैसे ही इसे माइनस वैल्यू में डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो ग्राफ है वो अब यहाँ पर चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हम स्पार्कलाइन लाइन ग्राफ और कॉलम ग्राफ भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसी में अगर आप इसके डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके के कलर्स डिज़ाइन हैं, तो आप इन्हें यहाँ पर बदल सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्पार्क लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और जो मार्कर यहाँ पर हैं, जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप उनको भी चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाई पॉइंट को, लो पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को आप अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक्सिस लाइन को देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर ग्राफ की एक्सिस लाइन को भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप डेटा रेंज को लेफ्ट टू राइट चेंज करना चाहें, एक्सिस टाइप को बदलना चाहें, तो वो सारे काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसे क्लियर करने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन पर क्लिक कर, तो देखेंगे कि आपके जो स्पार्क लाइन ग्राफ है वो यहाँ से रिमूव हो गया है। अगला जो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वो है स्लाइसर, और स्लाइसर तभी ऑन होता है जब आपने यहाँ पर पाइवट टेबल ड्रॉ किया हो। तो हम यहाँ पर एक पाइवट टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, और इस तरीके से हमने एक पाइवट टेबल को ड्रॉ कर लिया जिसके अंदर हम नेम ले लेते हैं, मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे की सेल को ले लेते हैं, और यहाँ पर टोटल सेल को ले लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर स्लाइसर ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर हम अपने डेटा का स्लाइसर क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर सेल्समैन का एक स्लाइसर ले लेते हैं और एक टोटल का ले लेते हैं, तो ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दो स्लाइस बनके आ गई हैं। अगर आप सिर्फ एनी सेल्समैन का रिकॉर्ड देखना चाहें तो जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमें टोटल सेल मिल रही है, और यहाँ पर हमें अनीश ने मंडे, थर्सडे और वेडनेसडे को जो जो सेल किए हैं उन्हें ये शो कर रहा है। इसी तरीके से आप नीलेश का रिकॉर्ड देखना चाहें तो आप नीलेश का भी यहाँ पर रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर आप फिल्टर को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लियर फिल्टर का ऑप्शन आता है आपके पास, आपने जैसे यहाँ पर क्लिक कर देना है तो सारा डेटा आपके पास वापस अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से स्लाइसर की मदद से भी हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है आपके पास लिंक। लिंक का यूज यहाँ पर हम दो फाइलों के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक फाइल देख सकते हैं जिसका नाम है यहाँ पर सेल डाटा, और यहाँ पर हम एक बटन क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम हमने दे दिया गो टू नेक्स्ट फाइल। इस पर क्लिक कर देना है आपको और लिंक पे जाना है, और जिस भी दूसरी फाइल के साथ आप इसका लिंक करना चाहें तो यहाँ पर एक और फाइल है हमारे पास, ब्लड प्रेशर ट्रैकर, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है, और जैसे ही हम यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर एक हैंडशेप बनी आ रही है, तो आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है तो आप देखेंगे कि आपके पास दूसरी फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है। यहाँ पर भी हम एक बटन बना देते हैं गो बैक, और इसे भी हम थोड़ा बहुत कलरफुल कर देते हैं, थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं इसका, और यहाँ पर भी हम इंसर्ट पर जाकर लिंक पर क्लिक कर देते हैं, और जो हमारी प्रीवियस फाइल थी सेल डाटा उस पर हम ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम गो बैक पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो प्रीवियस डाटा है वो आपको शो हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पर जाते ही हम अगली फाइल पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार हम हाइपरलिंक की मदद से
दो फाइलों के बीच में कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस लिंक को रिमूव करना चाहते हैं तो माउस का राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये काम नहीं करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास आता है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन और ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। टेक्स्ट बॉक्स का यूज होता है कि अगर आप अपने डेटा के साथ किसी टेक्स्ट को भी यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की मदद से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटा में एक टेक्स्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर शीट के ऊपर और नीचे हेडर फुटर देना चाहें तो हेडर फुटर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपके पास एक हेडर फुटर का मेन्यू आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास हेडर के अंदर ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसी तरीके से फुटर के लिए आप हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप पेज नंबर लेना चाहें, नंबर ऑफ पेजेस शो करना चाहें, करंट डेट, टाइम और जो फाइल आपकी सेव है जिस लोकेशन पर उस लोकेशन को देना चाहते हैं या फाइल नेम देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर हेडर फुटर पे दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर हेडर पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम पेज नंबर ले लेते हैं। इसी तरीके से गो टू फुटर पे जाकर हम यहाँ पर फाइल नेम ले लेते हैं और इसे नॉर्मल करने के लिए आप व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास प्रीव्यू के अंदर हेडर और फुटर शो होने लगेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 1 और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास फाइल का नाम शो होने लग गया है। तो जितने भी हमने शीट्स यहाँ पे ले रखी हैं उन शीट्स पे सब पे हमारे पास इस तरीके से पेज नंबर 2 और फाइल का नेम शो होने लगता है। तो हेडर फुटर की मदद से हम अपनी शीट्स पे किसी भी तरीके के हेडिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आएगा आपके पास वो है वर्ड आर्ट। अगर आप यहाँ पे अपने डेटा के लिए कोई एक हेडिंग क्रिएट करना चाहें तो वर्ड आर्ट की मदद से आप वो हेडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपके पास यहाँ पर अलग अलग तरीके के राइटिंग के फॉर्मेट्स आ जाते हैं। सिग्नेचर लाइन की मदद से आप यहाँ पर एक पॉइंट बना सकते हैं जहाँ पर प्रिंटआउट निकलने के बाद ऑथराइज सिग्नेचर ही की जा सकती है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक नाम दे देंगे और उनकी डेजिग्नेशन दे देंगे और यहाँ पर उनका ईमेल आईडी। और जैसे आप इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक सिग्नेचर लाइन का पॉइंट आ गया है और इसे आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट के या शीट के अंदर रखना चाहें वहाँ पर इसे ला सकते हैं ताकि प्रिंटआउट निकलने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर और स्टैंप लगाई जा सके। अगला जो ऑप्शन आता है यहाँ पर आपके पास वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मदद से हम अपने डेटा में किसी भी दूसरी फाइल से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब वो डेटा आपकी इमेज भी हो सकती है, एक्सेल की फाइल भी हो सकती है, ग्राफ भी हो सकता है या कोरल ड्रॉ का डिजाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल्ड हैं उन सब की लिस्ट आपके पास आ जाती है। जहाँ से भी आप डेटा को इंसर्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जस्ट बिटमैप इमेज पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है और यहाँ पर हम जो भी मैनुअल ड्रॉ करना चाहें वो आप यहाँ पे मैनुअल ड्रॉ करके इस तरीके से एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें एडिट करना चाहें तो यहीं पे डबल क्लिक कर दीजिए तो वापस आप बिटमैप इमेज के अंदर चले जाएंगे और अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो चेंजेस भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कलर फिल कर लेते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसे भी एडिट कर दिया है। इंसर्ट मेन्यू के अंदर नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास आता है वो है सिंबल्स, जिसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, इक्वेशन और सिंबल्स। तो इक्वेशन की मदद से हम यहाँ पर न्यूमेरिक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्री फॉर्मेटेड इक्वेशंस दी हुई हैं तो आप इस तरीके से इक्वेशन को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ए की जगह पे बी कर देते हैं तो आप इस तरीके से इसे भी एडिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके पास इक्वेशन का एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसके अंदर से आप जिस भी तरीके का न्यूमेरिक लेना चाहें तो उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं और सिंबल से हम यहाँ पर अलग अलग तरीके के साइन इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके के साइन दिए हुए हैं, आप यहाँ पर
अगर फॉन्ट चेंज कर लेते हैं तो आपको अलग अलग तरीके के और भी साइंस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर इस वाले फॉन्ट को ले लेते हैं, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके के साइन यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम जिस भी साइन को यहाँ पर लेना चाहें वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ इस साइन को ले लेते हैं, इंसर्ट क्लोज। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास साइन इंसर्ट हो गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें।